के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी अब सियासी मुद्दा बन गई है। उनके गायब होने पर जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव से सवाल पूछा है। पार्टी के नेता नीरज कुमार ने इसको लेकर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को होटवार जेल पत्र भेजकर पूछा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद में शामिल होने की बात कहकर तेजस्वी कहां गायब हो गए। नीरज कुमार ने राजद को पारिवारिक पार्टी करार देते हुए कहा कि पूरी पार्टी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है। नीरज कुमार ने लालू यादव को पत्र में लिखा है, तेजस्वी यादव ने बीते 5 दिसंबर को गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष किसानों का साथ देने की शपथ ली थी। कहा था कि 8 दिसंबर को वह भी मौजूद रहेंगे, पर वे कहां लापता हैं, कहां विलुप्त हैं, यह स्पष्ट करिए। साथ ही आपको यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या माननीय तेजस्वी यादव राजनीतिक आपदा है कि बाढ़ हो या फिर कोरोना, वह लुप्त पाए जाते हैं। नीरज कुमार ने आगे लिखा, आपने बिहार की जनता के माथे पर आपने चार शीट व्यक्ति को विपक्ष के नेता के तौर पर थोप दिया है, इसलिए स्पष्ट करिए कि वह कहां जाते हैं और क्या करते हैं। आप परिवार के मुखिया हैं, इसलिए आपको तो जरूर मालूम होगा। बिहार की जनता की अपेक्षा के अनुरूप जल्द से जल्द पूरा ब्यौरा पेश करिए। आपको बता दें कि भारत बंद के दौरान तेजस्वी की गैर मौजूदगी अब सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा था। उन्होंने कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि तेजस्वी भी अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अनुकरण कर रहे हैं।